हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता, वेलकम टू माय चैनल एसी एडुहब। सो आज हम करने जाएंगे चैप्टर 6 के कार्टून्स बेस्ड क्वेश्चन। चैप्टर 6 कौन सा है? द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलोंग विद चैप्टर 5। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देख लीजिए। चैप्टर 6 के भी जो कार्टून्स है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए चैप्टर। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सर, जो फर्स्ट कार्टून है आपके बुक में या आपके चैप्टर में, जो फर्स्ट कार्टून है वो है पेज नंबर 106 में। तो ये जो चैप्टर है एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कार्टून्स के लिए भी, तो इसको अच्छे से सुनना एंड समझना। ठीक है, तो जो फर्स्ट कार्टून है 106 पे है आपका, और इस कार्टून में पहली बार तो क्या पूछा जाता है कि जो नारा है ये क्या है? सेव डेमोक्रेसी का नारा है। ये नारा कौन दे रहा है? मींस ये कौन दे रहा है कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब जयप्रकाश नारायण नारा दे रहे, इतना पूछा जाता है। बट क्या आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता है कि क्यों ये बैठा हुआ है, क्यों ये पिक्चर है? तो सुनो क्या हुआ था, ये एक्चुअली बिहार मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता है कि बिहार मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट दोनों हुए थे। ठीक है, तो बिहार मूवमेंट क्या थे कि जयप्रकाश नारायण ने लीड किया था स्टूडेंट्स की मूवमेंट को। एक्चुअली मूवमेंट क्यों कर रहे थे? क्योंकि अनलॉफुलनेस की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही थी, प्राइस हाई हो गई थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बिहार मूवमेंट हुआ था। और उसके हेड कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण उनको लीड कर रहे थे, और उन्होंने क्या नारा दिया कि उनको टोटल रिवॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, सब टाइप में। ठीक है, ताकि वो डेमोक्रेसी ला सके। तो इसलिए उनका ये क्या नारा है कि सेव डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी को सेव करना चाह रहे थे। ठीक है, और जो बात कर रहे हैं नीचे के लुक हिल्स ट्राइंग टू सबवर्ट द डेमोक्रेसी, तो ये कौन है? ये कांग्रेस के लीडर्स है। ठीक है, जो कि नहीं चाह रहे थे वो ऐसा करे। वो वैसे भी जयप्रकाश नारायण क्या चाह रहे थे? डिसमिसल ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, जो कि नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये जो कार्टून है बेसिकली इसके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे कार्टून की तरफ, जो कि पेज नंबर 109 में है। 109 में देखो, पहले तो ये जो कुर्सी में बैठी हुई है वो कौन है? इंदिरा गांधी। उसके साइड में जो खड़े हुए हैं वो है डीके बरुआ। अब डीके बरुआ कौन थे? डीके बरुआ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम में। ठीक है, डीके बरुआ और ये इंदिरा गांधी। तो ये बेसिकली नीचे क्या लिखा है? पॉलिटिकल क्राइसिस। एक्चुअली ये जो कार्टून है, ये जो कार्टून है आपका, ये इमरजेंसी से पहले का है। मीन्स इमरजेंसी तब लगा नहीं था, इमरजेंसी लगने वाला था, उससे पहले का ये कार्टून है। ठीक है, अब इस कार्टून में पॉलिटिकल क्राइसिस कौन कौन से हैं? तो काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी उस टाइम में, जैसे रेलवे मैन्स की स्ट्राइक हो गई, या फिर पार्लियामेंट जुडिशरी को लेकर वो चल रहा था। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिसीजंस, फिर काफ़ी जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो ये सब काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस थी जो कि चल रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये कार्टून क्या शो कर रहे हैं? उन पॉलिटिकल क्राइसिस को जो कि पेंडिंग थे इमरजेंसी से पहले। ठीक है, इमरजेंसी से पहले कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे और उनको ये दिखाया जा रहा है इस कार्टून में। आई होप इट्स क्लियर। तो इसमें बेसिकली लीडर्स के नाम पूछे तो ये डीके बरुआ है जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, और ये इंदिरा गांधी है, और ये पॉलिटिकल क्राइसिस की बात कर रहे हैं जो चल रहा था इमरजेंसी से पहले। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद पेज नंबर 114 में और एक कार्टून दे रखा है, और ये कार्टून बहुत ही फनी है, सार्केस्टिक है, आप देख सकते हो। तो ये कार्टून बेसिकली कैसे दिया गया, देखो आप जो देख सकते हो, जो लेडी है जो हाथ में तराजू पकड़ के खड़ी हुई है, बेसिकली जस्टिस का साइन है। ठीक है, जस्टिस में आपने कोर्ट में देखा होगा, बट उसकी पट्टी जो है आंखों से ऊपर है, खुली हुई है। तो एक्चुअली इंदिरा गांधी यहाँ पे क्यों है? क्योंकि शाह कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। ठीक है, इमरजेंसी के बाद शाह कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया था देखने के लिए कि इमरजेंसी में क्या क्या गलत हुआ। ठीक है, अब शाह कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या था कि इंदिरा गांधी को अपियर होना था और उनको
कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने थे, उनको आंसर देना था, बट उन्होंने क्या किया, वे अपीयर तो हुई बट उन्होंने कोई आंसर दिया ही नहीं, ठीक है, कुछ आंसर दिया नहीं, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो बेसिकली ये शो कर रहे कि कमीशन की रिपोर्ट आई थी तब उसके बाद क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के टर्म पे बेसिकली हुआ था। तो एक्चुअली इसमें क्या पूछा जाता है कि ये लीडर जो है वो कौन है, एंड शाह कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो क्या थी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो दो तीन पॉइंट्स बता देना जो भी थे, कि पावर सप्लाई कट हो गया था, मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुतों को प्रेस को फ्रीडम नहीं दिया गया था, ठीक है, बहुतों को जेल में डाला गया था, ठीक है, लीगली, तो ये सब आप बता सकते हो शाह कमीशन की रिपोर्ट में क्या था। और ये थी इंदिरा गांधी, इसके बेसिस पे ये है कि उन्होंने कुछ आंसर दिया नहीं था। तो जो शाह कमीशन की जो इंक्वायरी वाला ये येलो बॉक्स में आपके बुक में दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ओके, तो हम बढ़ते हैं दूसरे कार्टून की तरफ, दैट इज 119 पे है। ये क्या शो कर रहे हैं, आफ्टर इमरजेंसी वाला मैटर। आफ्टर इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसमें कौन हार गई थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हार गई थी, ऑब्वियस था हारना, क्योंकि इमरजेंसी में जो भी उन्होंने किया था बहुत ही ज्यादा खराब किया था, इसलिए हार गई थी। उसके बाद कौन आया था, जनता का गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या शो करे, कांग्रेस क्या है, नीचे गिरी हुई है। क्यों गिरी हुई है, क्योंकि उन्होंने काफी सारे प्रोविजंस लाए थे, जैसे इमरजेंसी को हो गया, 42nd अमेंडमेंट हो गया, जिनकी वजह से उनको हार हुई और वो नीचे गिरे हैं। अब ऊपर कौन है, आप देख सकते हो जगजीवन राम, मुरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, ये थे जो जनता गवर्नमेंट के थे, तो ये उनको देख रहे हैं। मस्ट बी केयरफुल विथ हिम, ही वोंट स्टैंड एनी नॉनसेंस एनी मोर। तो क्या बेसिकली कहना चाह रहे, जो पहले उन्होंने जो नॉनसेंस क्रिएट किया था इमरजेंसी के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट, मीसा वगैरह जो भी हुआ था ना, वो दोबारा वो ना कर पाए, तो पहले तो डिफीट हो गए, इसलिए वो गिरे हुए हैं। और वहाँ पे कौन कौन खड़े हैं, मुरारजी देसाई, चरण सिंह, जो भी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, तो कह रहे हैं ये सब दोबारा ना हो, वो ध्यान रखना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसके कॉन्टेक्स्ट आप अच्छे से समझना कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट एक कार्टून है 124 पेज में, जिसमें दर्शाते हैं 1980 की इलेक्शंस, जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी दोबारा आई थी बाय स्वीपिंग ऑल दी अदर पार्टीज। अब क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि जो पार्टीज थी जो कांग्रेस की डिफीट के बाद जो आई थी, वो एक्चुअली चल नहीं पा रही थी, उनके खुद के अंदर इतने आपसी मतभेद थे, तो वो ज्यादा टिक नहीं पाए, तो उसके बाद दोबारा कांग्रेस आ गई, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको समझ आया हो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपको जरूर करना है, एंड इस चैप्टर के हर एक कार्टून्स को देख के जाना, 3-4 इसमें से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एंड आपको अच्छे से करना है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड टाइम मिले तो लाइक कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय।